नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूं राजीव और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इस समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे PIS। अब बढ़ते हैं आज प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों हेतु छठवां वेतन आयोग लागू करने हेतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपा ज्ञापन। सिविक वॉलंटियर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, यात्री का मनीबैग लौटाया। शराब के पैसे नहीं देने पर माता पिता की पीट कर हत्या करने की हुई कोशिश। और कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिर खोले जाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों के नेतृत्व में आज छठवां वेतन कमीशन लागू होने के मुख्यमंत्री के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद जताते हुए एक रैली निकाली गई। यह रैली सिलुड़ के बागतिन पार्क मैदान से निकाली गई। 13 सितंबर कोलकाता नेताजी इंडोर स्टेडियम में देशे जननेत्री तथा पश्चिम बंगाल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमबंग राज्य सरकारी कर्मचारी ষষ্ঠ वेतन कमिशन कार्यकर करा घोषणा করেছেন। এবং আমাদের কর্মচারীদের যে দাবি ছিল কেন্দ্রীয় হারে আমাদের যে কমিশন গঠন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে এবং আমাদের সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলো যে দাবি ছিল সে সমস্ত দাবিকে উনি মান্যতা দিয়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশন ঘোষণা করেছেন। এবং আজকে আমরা জেনেছি কিছুক্ষণ আগে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেটে সেটা অনুমোদিত হয়েছে এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হারে বর্ধিত যে বেতন ষষ্ঠ বেতন কমিশন এই বেতন কমিশন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা জানো আমরা প্রতিটি মানুষের কাছে তার বার্তা পৌঁছানো এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অভিনন্দন জানানোর জন্য আজকে আমাদের এই মিছিল। এই মিছিলের সমস্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিলিগুড়ি মহাত্মাশিয়ামের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মচারীরা দলে দলে যোগদান করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। রাজ্যকে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে UGC নিয়মো কো তোড়তে হুয়ে অনৈতিক রূপে অতিথি প্রাধ্যাপকো কো স্থায়ী ইয়ানি পার্মানেন্ট করনে কে বিরোধ মে यूनाइटेड स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स एसोसिएशन की ओर से कोलकाता में एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कॉलर्स एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आर्थिक रूप से परेशान रहने के बावजूद भी पंकज कुमार घोष नामक एक सिविक वॉलेंटियर ने एक यात्री का रुपयों से भरा मनी बैग लौटा कर पेश की ईमानदारी की मिसाल। मालदा का रहने वाला पंकज सोमवार को मालदा शहर के सिंगताला इलाके में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसे एक मनी बैग पड़ा मिला, जिसमें 5,000 रूपए, ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात थे। साथ मनी बैग से एक परिचय पत्र भी बरामद किया गया। इसके बाद ट्रैफिक सर्जन की ओर से उसके मालिक की तलाश शुरू हुई। ट्रैफिक सर्जन जयदीप झा ने बताया कि मालदा टाउन स्कूल के शिक्षक अशोक भराई का मनी बैग सिंगताला इलाके में गिर गया था, जो पंकज को मिला। उसे मालिक तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई और उनसे संपर्क कर उनका मनी बैग लौटा दिया गया। पंकज कुमार ने बताया कि यह मेरा कर्तव्य था। পাওয়া যায়, তারপরে পার্সেল মধ্যে দেখি অনেক টাকা আছে, অরিজিনাল ATM কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভার লাইসেন্স আছে। তারপরে আমি পার্সটা নিয়ে তারপর আমি স্যারকে ফোন করি, আমাদের ইনচার্জ যে আছে স্যার জয়দীপ ঝা, তাকে ফোন করে আমি স্যারকে জানাই ব্যাপারটা। তারপর স্যারের সাথে আমি দেখা করি, স্যারকে যে দিই, তারপর স্যার কোনোরকমভাবে যে ওর সাথে যার জিনিস হারিয়েছে তার সাথে যোগাযোগ করে। উনি হচ্ছেন মালদা টাউন স্কুলের টিচার অশোক ভুঁইয়া। তারপরে স্যার ওকে ডেকে মালদা গৌরের সামনে सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड स्थित चंपासाड़ी मोड़ पर हिंदू सभ्य समाज के एक बैनर के ऊपर दुर्गा पूजा का पोस्टर लगाने तथा संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा की तस्वीर को फाड़ने के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया चंपासाड़ी मोड़ के संलग्न। इस घटना को लेकर प्रधाननगर थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा तथा संस्था के चेयरपर्सन आदित्य सोनी ने। विरोध प्रदर्शन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों का एक शंकर भगवान जी का कलश यात्रा था, उसे लेकर के हम लोग इस क्षेत्र में चंपासाड़ी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए एक हम लोग बैनर यहाँ पे लगाए थे, जो कि हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे एक चंपासाड़ी मोड़ में ही सबको सची बोल के एक क्लब है, संगीत क्लब, जो कि यहाँ के जो काउंसिलर हैं, वामपंथी काउंसिलर मुकुल सेन गुप्ता के नेतृत्व में वो क्लब चल रही है।
क्लब का कुछ सदस्यगणों ने आकर के, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन लोगों ने अपना बैनर लगाया है। देखिए बैनर कोई भी लगा सकता है, जैसे कि इसमें दिया है केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम का चलित चित्र उन लोगों ने दर्शाने का कोशिश किया है पब्लिक के बीच। लेकिन केदारनाथ धाम जो दर्शाने का कोशिश किया है वो किस तरह का शिक्षा देती है, उन लोग यह क्लब का बैनर लगाया हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन लोग बैनर लगा सकता है क्योंकि हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो बैनर लगाने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे। लेकिन बैनर लगाते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एक पोस्टर था, पोस्टर को ब्लेड के माध्यम से कुछ दुष्कृतियों ने, इस क्लब का दुष्कृतियों ने ब्लेड के माध्यम से उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। ये किस तरह का मानसिकता दर्शाया जाता है। तो सभी कार्यकर्ता ने मिल करके ये आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। अभी हम लोग थाना में जाएंगे और थाना हिंदू सभ्य समाज संगठन के माध्यम से थाना में जाकर हम लोग डेपुटेशन ज्ञापन देंगे, हम लोग FIR दायर करेंगे क्योंकि हमारा संगठन एक प्रतिष्ठित संगठन है, हिंदू सभ्य समाज हिंदुओं के लिए एवं समाज हित में देश हित में कार्य करती है। तो इस तरह का मान भाव जो हमारे छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, हम समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग हिंदू सभ्य समाज हर तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं, समाज में वार्ड में भी अच्छा काम हम लोगों का चल रहा है, उससे डर कर इस वार्ड का जो काउंसिलर है मुकुल सेन गुप्ता, क्लब के माध्यम से उन्होंने खुद कुछ नहीं कर पाया तो क्लब के माध्यम से उन्होंने इस तरह का घटियापूर्वक हरकत उन्होंने किया है और TMC के भी कुछ लोग इसमें जड़ित है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया जो भी बैनर यहाँ पे लगा हुआ था वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है, जो हिंदू सभ्य समाज के तत्वाधान में कलश यात्रा हुआ था उसके बारे में जो बैनर लगा था वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है। हमें आपत्ति नहीं है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा का बैनर लगा हुआ है, आपत्ति इस बात से है कि उस बैनर में जो हम लोग का अध्यक्ष जो हिंदू सभ्य समाज के मनोज शर्मा जी हैं उनके फोटो को ब्लेड से फाड़ दिया गया है, एक किस तरह का मानसिकता को दर्शाता है। और इसमें साफ देखा जा सकता है जो क्लब है उस क्लब का नेतृत्व यहाँ के जो काउंसिलर है मुकुल सेन गुप्ता वो करते हैं। तो ये हम लोग घोर निंदा करते हैं हिंदू सभ्य समाज के तत्वाधान में क्योंकि हम लोग का छवि को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ हम लोग समाज में एकता कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान को बढ़ावा दे रहे हैं, देश हित में काम को आगे दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे को परेशान करने के लिए और हमारे छवि को खराब करने के लिए फोटो फाड़ा गया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे? नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, हम लोग ने यही कहा है क्लब का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, क्लब का जो भी प्रेसिडेंट हो सेक्रेटरी हो उसको संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का दुष्कृति ना हो क्योंकि एक प्रतिष्ठित संगठन है हम लोग हिंदू सभ्य समाज और हम लोग का अध्यक्ष का फोटो ब्लेड से फाड़ देना कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का न्याय है। शराब पीने का पैसा नहीं देने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की पीट कर हत्या करने की कोशिश। रविवार रात घटना इंग्लिश बाजार थाने की मिल्की ग्राम पंचायत के बोलपुर ग्राम में हुई। पड़ोसियों ने वृद्ध दंपत्ति को गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया, आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार घायल दंपत्ति का नाम ननी गोपाल घोष और हेमलता घोष है। ननी गोपाल एक गैर सरकारी कंपनी में सुरक्षा कर्मी थे और अब रिटायर हो चुके हैं। रविवार रात जयदेव नशे में धुत होकर आया और फिर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा, लेकिन उन्होंने बेटे को पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से आरोप जयदेव फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मौत के ऐसे हमने बहू के गाली गलौज कुछ लो জমি বন্ধক দিয়ে এরকম করতো। झारखंड में रविवार को खूंटी जिले में भीड़ ने गोहत्या के शक में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस की बिक्री के बाद गुस्साए भीड़ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया था। पूर्व राष्ट्रीय कप्तान और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भुटिया का 15 वर्ष पुराने क्लब यूनाइटेड सिक्किम FC क्लब बंद हो गया है। बाईचुंग भुटिया ने क्लब के 2 अन्य संस्थापक सदस्यों अर्जुन राय और सिरप लेप्चा के साथ एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी घोषणा की। फोन गरेको थियो है, हामी क्लब फोन गरेको थियौँ, हिजो हामीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ, अन्त आज चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ आज बोलाएर चाहिँ हामीले यहाँ सानो एउटा फेयरवेल जस्तो एउटा सानो उहाँहरूको एउटा अब हाम्रो अलिकति
फेयरवेल पार्टी फेयरवेल जस्तो गरेर हामीले उहाँलाई सबै प्लेयर्सलाई बोलाएर हामीले यो हाम्रो जति पनि यो हाम्रो किटिङहरू थियो है लाइक अब ट्र्याक सुट भयो भेस्टहरू के थियो जर्सीहरू हामी सबै ह्यान्डओभर गऱ्यो त्यो प्रोग्राम आज हामीले राखेको थियौँ। रायगंजमा 600 वर्ष पुरानी कुलिक नदी बन्दरगाह कि दुर्गा पूजामा उमड़ती है लोगों की भारी भीड़। रायगंज के कुलिक नदी बंदरगाह पर बांग्लादेश से आए एक व्यापारी को मां दुर्गा ने स्वप्न दिखाया कि वहां दुर्गा पूजा करे। इसी अनुसार उसने रायगंज बंदरगाह पर ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया। यह करीब 600 वर्ष पुरानी बात है। वहीं पूजा उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर के बंदरगाह इलाके की रायगंज आदि दुर्गा पूजा के नाम से मशहूर है। लोग चंदा इकट्ठा कर यहाँ पूजा करते हैं। हालांकि अब नदी का पानी कम हो जाने से व्यापारी अब यहां नहीं आते, लेकिन उनकी द्वारा शुरू की गई पूजा आज भी जारी है। दिन का पूजा इटा तो आज के ना इटा दादू दीदी मा थाकतो तादे मुखे ज्यादा बाबा दा सुने छे आमी ता बाबा दे मुखे सुने छे इटा आज तक 600 বছর আগে পুরনো পূজো। এখানে আগে শুনেছি নাকি বড় 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 মেলা বসতো, বহুত দূর থেকে লোকজন আসতো। আপনার বালুঘাট কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি কুচবিহার থেকেও এখন অবধি লোক আসে। এই মাহাত্ম্য প্রচুর। এখানে ষষ্ঠীর দিন থেকে মানুষের ঢল পড়ে। আপনি অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেওয়ার জন্য মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসে। এখানে যারা মনস্কামনা যারা করে তাদের পূর্ণ হয়। এই পুজো সম্পর্কে তো গোটা রায়গঞ্জবাসী আশা করি জানে, যেটা আজকের পুজো নয়, এটা তো 400-500 বছরকার, মানে আমরা জন্মের পর থেকে শুনছি 400-500, আমরা সবাই তাই বলি 400-500 বছরকার পুজো। বহু পুরনো পূজা, খুবই জাগ্রত মা। আমাদের এখানে বহু বাইরে বাইরে থেকে লোক আসে। এখানে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই চার দিন খুব মানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। मालदा में रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सोमवार दोपहर एक रैली के माध्यम से एसोसिएशन के सदस्य जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद संगठन के सदस्यों ने 7 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन की मांगों में कर्मियों के रिटायरमेंट अवधि को बढ़ाना, समान काम समान वेतन का और स्थायीकरण शामिल था। हमरा आज के डीएम ऑफिस से डेपुटेशन दीते हमरा जमी रजिस्ट्री डिपार्टमेंटे चाकरी करी 12 বছর ধরে আমরা এখানে একটা আউটসোর্সিং আমাদেরকে করে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেখানে একটা কোম্পানিকে রেখে দিয়েছে, 12 বছর ধরে আমাদেরকে ডিপ্রাইভ করছে। আমরা আমাদের দাবি দাবা নিয়ে বারবার আমরা সরকারের কাছে গেছি, কিন্তু সরকার আমাদের কোনো বিষয়ে কর্ণপাত করছেন না। বারবার আমরা আইইআরের কাছে গেছি আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে আমাদের 60 বছরের দাবি, 60 বছর আমাদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে যে আমাদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে। আমরা 12 বছর 2007 থেকে এখানে চাকরি করছি। আমাদের মূল্য 6,000 টাকা মোটে মাইনা দেওয়া হয়। फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बन रही है इसके लाइव के साथ। न्यूज चैनल आप सभी के लिए लेकर आया है विशेष पूजा धमाका। अब आप अपने शोरूम, ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठान का सिर्फ और सिर्फ 1500 रूपए में विज्ञापन दे सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 9434023813 या 7908554308। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रगहरूमा देखिन्छ,
रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पीआईएसको पीआईएस पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स एक्सक्लुसिभ स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333-41141. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यवासियों को फिर से दिया आश्वासन कहा मुझ पर भरोसा रखिए पश्चिम बंगाल में एनआरसी को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि एनआरसी को लेकर उसने भय का माहौल बनाया है सोमवार को बनर्जी ने दावा किया कि इस वजह से राज्य में 6 लोगों की मौत हो चुकी है तृणमूल सुप्रीमो ने कोलकाता व्यापार संघों की बैठक को संबोधित कर ये कहा कि एनआरसी बंगाल या देश के किसी भी हिस्से में नहीं होगा असम में यहाँ असम समझौते की वजह से हुआ है असम समझौता 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच हुआ था बनर्जी ने कहा बंगाल में एनआरसी को लेकर भय पैदा करने वाली भाजपा सरकार पर धिक्कार है मुझ पर भरोसा रखिए पश्चिम बंगाल में एनआरसी को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिर खोले जाएंगे केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी इस बारे में जानकारी केंद्र सरकार आने वाले समय में कश्मीर में बंद पड़े 50,000 मंदिरों को फिर से खोलने की तैयारी में जुटी हुई है सरकार ने इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन कर यह बात कही वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान सोमवार को करीब 40 किलो विस्फोटक मिले अधिकारियों ने बताया कि बिलावार तहसील के मल्हार पट्टी में सुरक्षा बल तलाशी कर रहे थे तभी विस्फोटक बरामद हुए थे कूचबिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डोम पद के लिए हो रहे नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को मौका नहीं देने से भरके डोम संप्रदाय के लोग लगाई इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक स्थानीय डोम संप्रदाय के लोगों का कहना है कि कूचबिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डोम पदों के लिए हो रहे नियुक्ति प्रक्रिया के लिए काफी संख्या में स्थानीय युवकों ने आवेदन किया था लेकिन किसी को भी इंटरव्यू पद के लिए नहीं बुलाया गया जबकि सिलीगुड़ी में जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है आरोप लगाया गया है कि यह सब मिली भगत के कारण हो रहा है और उन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया को रोक दिया है और MSVP के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया मेडिकल कॉलेज 8 जन डोम पोस्ट लोग रिक्रूट हो सेटा हलो आज के इंटरव्यू सकाल 9:30 देखी से इंटरव्यू मध्य 54 जन नाम रही है से 54 जन हलो बाहर लोक কুচবিহার যারা লোকাল লোক তারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের MGN হসপিটালে কোনো কোনো সময় এমনি ফ্রিতেও কাজ করে আসছে সেই চাকরির কিসের জন্য যে কোনো সময় ভবিষ্যতে চান্স পেলে আমরা চাকরিটা পাবো তা আমরা আজকে শুনতে পারছি যে আমাদের কুচবিহার জেলার কুচবিহার জেলার একজনের নাম নাই তাই আমরা MSVP কাছে আইসে আমরা আন্দোলন শুরু করছি আমাদের যতক্ষণ আমাদের এই কুচবিহার জেলার সমস্ত লোকের ইন্টারভিউ কাগজ না আছে আর কুচবিহার জেলা থেকে আটজনকে নিতে হবে আমরা সেই দাবি জানিয়ে আমরা এখানে দাঁড়ায় আছি যতক্ষণ এই দাবি আমাদের মানা হবে না আমরা ইন্টারভিউ হইতে দিব না দুর্গাপূজা গাইড ম্যাপ জারি করার পর আলিপুরদুয়ার পুলিশে দুর্গাপূজা আয়োজক কমিটিওকে দেওয়া শুরু করে রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত অনুদান রাজ্য কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নে ঘোষণা কি কি সবই পূজা ক্লাবকে 25,000 রূপে দিয়ে যায়গে এসি কে তহত আজ আলিপুরদুয়ার জেলা ফালাকাটা ব্লক পূজা কমিটিওকে রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত অনুদান কো আলিপুরদুয়ার पुलिस के द्वारा दिया गया थाने में बुलाकर सभी को यह राशि दी गई इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जयगम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बैनर्जी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे थे तो पहला छे नॉइज पॉल्यूशन एक बड़ो इश्यू आछे बंगालेर भीतरे आमरा देखी कि अनेकटा जे पूजा आछे ओखाने डीजे बड़ो करे बॉक्स लागिए करे आमरा आशा करी करबे ना एकटु लिमिटेड साउंड राखले भालो होबे और आगे आपनारा जानेन आमरा बोलेछिलाम एकटु साउंड लिमिटर राखते होबे साउंड लिमिटर अनेक लोग बोलते सर अनेक कॉस्टली आछे हमरा पाछी ना करते पाछी ना तो आपनार कौन एनार कॉन्साइंसेस ऊपर हम दिए देछी कि जे एक टू पूजा पंडाल आछे तो हमार तो दूटा एक टा बक्सा दिए भी हमार काज हो जाछे अनाउंसमेंटे जे काज आछे तो आशा करी पूजा कमिटी जे लोग आछे ओरा फॉलो करबे सेकेंड आछे किछु नूतन जिनिस हमरा जे स्टार्ट करेछी
कि आपनारा जानें पूजा एक सबसे दुर्गा पूजा काली पूजा सबसे बड़ो उत्सव बंगाले एर भितरे एक पब्लिक के अवेयर करा जानो अनेकटा जिनिस जे सेफ ड्राइव सेफ लाइफ निये आमरा स्टार्ट करेछि दू कैटेगरी प्राइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल थेके तारपरे एक एनवायरमेंट फ्रेंडलि और पल्यूशन फ्रेंडलि एक नतून प्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्ट करेछि जार भितरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड गोटा जिला मिलिए आमरा देबो तो कमिटी गठन होबे रिस्पेक्टिव डीएसपीज और एक एडिशनल एसपी दोनो जे थाके ओनार अंडारे ওরা আইডেন্টিফাই করে দেবে এর সঙ্গে আমরা যে পূজা কমিটির যে লোক আছে ওনার যে ইনপুট আছে ওবি কালেক্ট করবো পাবলিকের যে আছে কিছু ইনপুট আমরা পাবো ওকে কালেক্ট করবো তো এইসব মিলিয়ে করবো সেকেন্ড আছে ক্রাইম রিলেটেড ইস্যু যে দেখছেন আপনারা এইবার অ্যান্টি টিজিং টিম একটু বার করা হবে সো দ্যাট যে মহিলারা আসছেন ইয়া বোনরা আসছেন আমার ওনার সঙ্গে কোনোভাবে কেউ অভদ্র ব্যবহার না করে সেকেন্ড ক্রাইম প্রিভেনশন টিম আমরা একটু বার করছি প্লেন ক্লোথে থাকবে ওরা কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট করবে এরা সুনিশ্চিত করবে কি কোনোভাবে স্ন্যাচিং বা পিক পকেটিং আর কোনোভাবে কেউ দুষ্কৃতীরা কিছু ক্রিমিনালস অনেক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এর ভিতরে ওরা বি চান্স পায় তো ওসব বেশি অ্যাক্টিভ না হয়ে ওনাকে ধরা পড়া যায় আর পাবলিককে কোনোভাবে ক্রাইম ওনার অ্যাগেনস্টে না হ্যামিল্টনগঞ্জ এলাকে মে এক 16 বর্ষীয় দিব্যাঙ্গ নাবালিক কে সাথ এক 65 বর্ষীয় অধের কো দুষ্কর্ম করনে কে আরোপ মে কড়ি সে কড়ি সাজা দিয়ে জানে কি মাঙ্গ মে কালচিনী খণ্ড দিব্যাঙ্গ সংগঠন কি ওর সে कालचिनी थाना हुआ कालचिनी बीडीओ ऑफिस में दिया गया ज्ञापन। जो हम लोग का यहाँ पर हैमिल्टन में हुआ था जो घटना एक दिव्यांग लड़की के साथ जो बच्ची थी 16 साल की तो हम लोग तो एक दिव्यांग है मतलब हम लोग को देख के भी तो दूसरों के अब मन में एक हम लोग के प्रति दया आता है लेकिन आज ऐसा हो गया है कि एक दिव्यांग के प्रति ही एक कोई दूसरा एक ऐसा टाइप का हादसा करते हैं तो वो तो मतलब हम लोगों को तो अब जीने का मतलब कोई मकसद ही नहीं रहा हम लोग को तो शायद सुसाइड भी करना अच्छा ही रहेगा क्योंकि जब दिव्यांग को ही कुछ मतलब सपोर्ट के लिए कुछ नहीं मिलता प्लस आप अभी ये जो घटना हुआ है उसको देख के तो लगता है नहीं होगा जब दिव्यांग का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा इस बार इस घटना के मतलब वजह से तो क्या चाहते हम लोग यही चाहते हैं कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है उसको थोड़ा मतलब देखे सब सभी कोई देखे क्योंकि एक दिव्यांग लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो जो दुष्कर्म है उसको सजा या तो फांसी। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का 137वां बोर्ड मीटिंग आज कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ संपन्न। बैठक के अंत में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए चेयरमैन विजय चंद्र वर्मन ने क्या कहा जानते हैं। মূলত আমরা উন্নয়নের দিকে আমরা নজর বেশি দিয়েছি যেমন জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি ফাঁসে যাওয়া এইসব এরিয়া মিলিয়ে আমরা বিভিন্ন কাজের উন্নয়নগুলো করছি যেমন স্কুল কলেজেও আছে আছে রাস্তাঘাট আছে এবং স্পেশালি শিলিগুড়ির উপরেও আছে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় তাও আমরা একটা এর মধ্যে আমরা একটা পরিদর্শন করে আবার নতুন করে কিছু করার মানে কী ধরনের ডেভেলপমেন্ট ভাবছি সেখানে মাল্টি স্টোরেজ টাইপের আর কি বড়ো ধরনের বিগ বাজার বা টাইপের একটা কোনো বিল্ডিং করে সেখানে যদি যেমন একদিকে যেমন আমাদের সেই গাড়ি রাখার জায়গাগুলোর অভাব আছে তারও যদি একটা সুবিধা করা যায় এবং আরও কিছু লোক মানে যারা কাজ করছেন তাদেরকে সঙ্গে কথা বলে নির্দিষ্ট জায়গা এরিয়া নিয়ে আমরা যদি কাজ করি আর কি তাহলে আমরা যদি ভালো ধরনের একটা বড় ধরনের একটা বিল্ডিং করে অ্যাডজব করে দিয়ে মার্কেটটাকে সুন্দর করে সাজাতে পারি সেটা করতে হবে। वजनबाड़ी के चुंगथुंग मेरीबाड़ी तामसंग समष्टि में नारी मोर्चा बूथ स्तरीय नारी मोर्चा समिति गठन हेतु नारी मोर्चा समष्टि के अध्यक्षा निर्मला तमांग की अध्यक्षता में तामसंग मखमली भवन में एक सभा हुई संपन्न। तामसंग समष्टि अंतर्गत पड़ने जम्मा 22 नारी मोर्चा को 22 बूथ कमिटी गठन करने कमिटी गठन करने सभा बसेको थियो मखमली समाज घरमा। यसमा हामीले केवल बुथ कमिटी मात्र नगरेर कमिटी मात्र गठन नगरेर हामीले यसमा नारी मोर्चाको सांगठनिक कस्तो प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने यस विषयमा पनि हामीले भरमग्दुर चेष्टा गर्यौँ र जति पनि हामी स्पिकरहरू थियौँ वक्ताहरू थियौँ यस विषयलाई नै हामीले अगाडि बढायौँ आफ्नो वक्तव्यमा र विशेष यस
आजको सभामा हामी अति नै खुसी छौँ। दार्जिलिङ महकुमा नारी मोर्चा समिति 4 तारिक सेप्टेम्बरको दिन मात्र गठन भएको, म उर्मिला सिंह सभाध्यक्ष, मेरो अधीनमा मैले आज प्रथम चोटि यस समष्टिमा चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिमा प्रथम भ्रमण र बुथ कमिटीलाई अनुमोदन पनि मैले गरे। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत नागरी फर्म चाय बगान के स्वनिर्भर समूह तथा आरु दृष्टि वेलफेयर अर्गनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन संपन्न। अब तक इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बन रही है SK Live के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।